अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और जी यहाँ पे सुबह हो गई है, सुबह भी आज हमारी बहुत लेट हुई है और मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और बच्चे जो है यहाँ पे मूवी देख रहे हैं। वीकेंड पे इनको जो है वन डे अलाउ होता है कि ये टीवी पे कुछ भी अच्छा जैसे हम लोग जब देख रहे होते हैं तो उनके हमारे साथ बैठ के देखते हैं, अदरवाइज़ तो हर टाइम यहाँ पे कार्टून्स चलते रहते हैं। तो एक दिन जो है ये लोग भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं। हमने देखी यहाँ पे आई थिंक जय हो शायद ये मूवी देखी थी, और फिर मैंने कहा बच्चों के लिए आइसक्रीम बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है और बाहर से भी खाते रहते हैं लेकिन वो अनहेल्दी होता है, और जो चीज़ घर में हम लोग खुद माएँ बना के देती हैं वो तो और ही बात होती है। और जब हम खुद कोई चीज़ बना के देते हैं तो हमें बड़ी तसल्ली होती है कि हमने एटलीस्ट खुद नेचुरल तरीके से खुद इसमें कुछ भी जो है वो बाहर का ऐड नहीं करते और खुद से अच्छा हेल्दी चीज़ बना के देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो भी मेरे पास सीजनल फ्रूट्स थे वो मैंने इसमें जो है ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिए थे, उसमें शुगर ऐड की थी थोड़ी सी, और उसके बाद मैंने इनको जो है वो यहाँ पे मेरे पास पीच था, स्ट्रॉबेरीज थी और मैंगो था, तो मैंने इनको ही जस्ट वो कोशिश की कि चलो कुछ बच्चों को बना देते हैं। और साथ में मैंने क्रीम और मिल्क ऐड किया था, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की थी, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके। तो क्रीम कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने जो है यहाँ पे जो भी क्रीम अवेलेबल होती है मैं तो वो यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने बस इसमें ये फिल किया, और ये देखें पहले मैंने पीच ऐड किया, फिर स्ट्रॉबेरी ऐड की, और उसके बाद फिर मैंने इसमें मैंगो ऐड किया। तो मैंगो एक्चुअली अभी यहाँ पे आए नहीं हैं तो मैंने ये फ्रोज़न मैंगो लिए हुए थे जो मैं शेक्स में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो वो फिर मैंने जो है इसमें ऐड कर लिए ताकि बच्चों को थोड़ा अच्छा फ्लेवर आए। और इसमें वैसे भी मैंगो तो जो है वो हर किसी का फेवरेट होता है, तो वो अभी एक्चुअली आए नहीं थे तो मैंने फिर इस तरह से यूज़ कर लिया, लेकिन ये बहुत यमी बनी थी। और फिर मैंने ये इसको फिल करके और कवर करके फ्रीज़र में रख दिया। और फोर मैंने दूसरी बनाई थी जिसमें मैंने साथ में क्रीम ऐड की थी, क्रीम और मिल्क, उसमें भी मैंने ऐसे ही पहले पीच ऐड किया और फिर उसके बाद मैंने क्रीम, फिर स्ट्रॉबेरी, फिर क्रीम और फिर मैंगो और फिर थोड़ी सी क्रीम। तो इसमें यह है कि एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है इसमें क्रीम और मिल्क का भी, और साथ में फ्रूट्स जो भी सीजनल आपके पास हों वो आप इसमें ऐड करके, तो बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं और इनको काफ़ी मज़ा आया ये खा के। और मुझे तो अब ये कहते हैं कि डेली हमें बना के दें, तो चलें अच्छा है, बाहर का जो भी होता है वो फिर ये अवॉइड करते हैं। और अयान जो है मेरी हेल्प करता है, मतलब इस तरह की चीज़ें कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो रही हो तो अयान फ़ौरन से आ जाता है किचन में, कि बेकिंग हो रही हो या इस तरह से कुछ बन रहा हो ना तो अयान फ़ौरन से आ जाता है कि मामा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ताकि ये कोई भी इधर उधर की एक्टिविटीज़ में ना जाएँ, इन एक्टिविटीज़ में जाएँगे तो इनका ध्यान जो है इधर ही रहेगा और बाहर की तरफ ना जाएँ इतना। और जी ये देखें हमारी जो है आइसक्रीम रेडी हो गई है, बच्चों ने भी इंजॉय की, मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी, हम दोनों ने भी इंजॉय की। औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे सारा पढ़ रहे थे तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी चीज़ें जो सेट करके रखनी थी किचन में, जो मैंने वॉश करके रखी थी, उनको थोड़ा सा सेट करके रखती हूँ। और ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।